एक तरफ दिवाली की उम्मीद लिए व्यापारी सामान सजा कर बैठे हैं, वहीं कत्यूर बाजार के व्यापारी पैदल पुल के बंद होने से खासे परेशान हैं। यहां बता दें कि लगभग 110 साल पुराना सरयू नदी में बना पैदल पुल बंद होने से कत्यूर बाजार का व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारी पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। दिवाली के त्योहार के मौके पर भी कत्यूर बाजार के व्यापारी खासे परेशान दिखे। व्यापारियों ने बताया कि अन्य वर्षों की अपेक्षा इस साल पैदल पुल के बंद होने के कारण बिजनेस नहीं हो पाया। व्यापारियों ने शासन प्रशासन से पैदल पुल खोले जाने की मांग की है। पहले तो मैं बागेश्वर वासियों को सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, सब परिवार सभी लोग को बधाइयाँ हो। खासकर दिवाली का माहौल इस बार बहुत डाउन रहा, ना तेजी थी ना कुछ था। खासकर हमारे तो इस पुल से, झूला पुल से तो बहुत फर्क पड़ा मार्केट में। इस मार्केट की रौनक बिल्कुल खत्म रही, न तो जिस टाइम से मार्केट में रौनक रहा करती थी बिल्कुल नहीं रही। तो आप चाहेंगे पुल खुलना चाहिए? हम तो चाहते हैं पुल खुले। हमने तो प्रशासन से भी बहुत गुहार लगा दी है, सबसे लगा दिए गुहार है, हम गुहार लगा लगा के थक गए हैं। दिवाली की पहले तो आपको भी बधाई, सीजन को बधाई और सीजन चैनल के दर्शकों को भी बधाई, और इन रहनुमाओं को जिन्होंने ये पुल बंद करवाए उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि कत्यूर बाज़ार में आप देख ही रहे हैं महोदय कि कैसे यहाँ पे हाल हो रहे हैं। और यहाँ पे को जो है बिल्कुल आपके जो है बिल्कुल जो पेपर में दे रहे हैं कि इतना करोड़ का इतने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। ये पुल बंद करने से पुल जो पुरानी धरोहर जो 1913 की बनी हुई पुल है, यह भी जो है और ज़्यादा डैमेज होने के कगार पर आ रही है। और जो है इससे व्यापार भी और सांस्कृतिक जो धरोहर है 1913 की बनी हुई 100 साल पुरानी है उससे भी जो है इसको जो है हानि हो रही है। इसको जो है तुरंत इसकी जो है रिपेयरिंग करके 6 महीने 7 महीने से ऊपर इसकी अभी तक रिपेयरिंग के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, खाली एक ऊपर है। आज से 2 महीने पहले जब यहाँ पे प्रदेश प्रभारी यहाँ पे को आए थे, यहाँ मंत्री आए थे, जिला प्रभारी आए थे, बहुगुणा जी आए थे, उनको सबों ने जो है छोटी पुल की मरम्मत के लिए बोला था, तो इन्होंने जो है उनको जो है गाड़ी ये बड़ी वाली पुल गाड़ी पुल दिखा के उसकी मरम्मत करवा दी गई। यहाँ तो ऐसे ही इन्होंने किया हुआ है, तो इनसे अब कोई अपेक्षा ही नहीं है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर और दीपावली की के शुभ अवसर पर प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, और भगवान बागनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूं कि सबकी दीपावली और सबके घर में शुभकामनाएं आए, लक्ष्मी आए, सब धन धान्य पूर्ण हो। मैं सबको यही शुभकामना देता हूं। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।